आज रात को नहीं तो कल सुबह तक ये मर जाएगी, क्योंकि एकदम मेरा बॉडी राउंड 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 रीलिंग सेंसेशन होके बस मेरा एस्ट्रल बॉडी बाहर आ गया। सार बोले थे मैं आंख बंद किया, बस एक तरह का हीट, सार का हाथ उंगलियों से मेरे उंगलियों पे, तो मुझे एक रियलाइजेशन, अच्छा मेरा फादर मुझे इतना प्यार करते, लेकिन बाहर उसका हमको फिर जन्म लेना या नहीं लेना, हम क्या करने को गए थे, क्या करके आए थे। पीएमसी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ में है सीनियर पीरियड मास्टर महेश्वरी मैडम विशाखापट्टनम से। तो आज हम सब लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैडम से जानकारी करेंगे। हम सब लोग जानते हैं ध्यान महाचक्रा में जो बाल विकास को ऑर्गेनाइज करने वाला मैडम है, हम सब लोग जानते हैं बाल विकास की वजह से कितना सारे बच्चे का जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी हम सब लोग महेश्वरी मैडम से जानकारी करेंगे उनको कैसे ये डेथ एक्सपीरियंस आया था, वो कैसे फिर वो डेथ से कैसे बाहर आई है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। नमस्ते महेश्वरी मैडम। पीएमसी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जैसे रामराज सर बताए थे महेश्वरी, विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हूँ। मैं 96 में इस ध्यान में आई हूँ। तब से मैं इस ध्यान करते हुए, मेरी साधना और बुक्स पढ़ते हुए, पत्नी जी के साथ ट्रेकिंग्स जाते हुए बहुत कुछ सीखी हूँ। 2004 में जब मैं हैदराबाद में जॉब कर रही थी, तब मुझे एक स्विमिंग पूल में एक एक्सीडेंट हुआ था विशाखापट्टनम में, तब मुझे ये नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था मैंने। उसमें 2004 में जब मैं हैदराबाद से वाइजाग आई थी, बच्ची को लेके बीच के पास, ऋषिकोंडा बीच है विशाखापट्टनम में, वहां पे मैं एक स्विमिंग पूल में गई थी। तब एक लड़का ने अचानक वह 30 फीट स्लाइडर से नीचे कूदते हुए मेरे पेट में, उसने उसका पांव घुस गया, तो मेरा लिवर पे मल्टी लैसरेशंस हो गया, मैंने बहुत सारे जगह पे चोट पहुंच गई। तब डॉक्टर्स ने स्कैनिंग करा के देखे तो अंदर बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो लोग बताए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बॉडी में 5 to 5.5 liters ब्लड रहेगा, तब तक कि 3 liter खून बह गया था। तो वो लोग मुझे सर्जरी करने के लिए पेरेंट्स को परमिशन लेके सर्जरी के लिए लेके गए थे। लगभग 4 बजे को मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गया, तो रात को 1:30 बजे को मेरे बॉडी को बाहर दिए थे, क्योंकि इतना बड़ा लंबा सर्जरी करना पड़ा, लीवर से खून बह रहा था, उनको ड्रेन पाइप सब अटैच करके एक जेल टाइप का वहां पे लगा के, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बुला के वो लोग बताए कि आज रात को नहीं तो कल सुबह तक ये मर जाएगी, क्योंकि बहुत सारा खून बह गया और हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो गया, इसलिए बचने का चांस बहुत कम है। साइड इन्फेक्शंस ज़्यादा हो गया और स्पेशली लंग कैपेसिटी बहुत कम हो गया। 25 liters ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ मेरे बॉडी को वहाँ पे ICU में वो लोग रख के जस्ट मॉनिटर कर रहे थे। उनका हिसाब से क्या मैं उस आधी रात को या सुबह तक मर जाऊंगी करके, पूरा बॉडी पे कम्प्लीटली एडिमा हो गया, पूरा बल्ज हो के, पानी रह के, कम्प्लीटली एडिमा से पूरा मुंह इतना हो के कम्प्लीट, इतना इस बॉडी को हम जितना हम केयर के लेके इस ड्रेन पे इस ड्रेस पहनना उस ड्रेस पहनना करके हम देखते, उस टाइम में सिर्फ एक वाइट क्लॉथ मेरा कंप्लीट बॉडी के ऊपर एक वाइट क्लॉथ डाल के वो लोग सारे ऑक्सीजन मीटर्स मॉनिटर सब रख के मॉनिटर कर रहे थे। एक एक दिन एक एक इन्फेक्शन हो रहा है, साइड इन्फेक्शन, तो एक एक और एक नया डॉक्टर ऐड हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तब तक मेरा सर्जरी होने तक मैं बेहोश हो गई थी, मैंने अनकॉन्शियस स्टेट पर चली गई थी। तो उस अनकॉन्शियस स्टेट पर ही मैं 11 days ऐसे ही थी। 11th day को जब मुझे होश आया था, मैं सोच रही थी मैं बात कर सकती हूँ करके, लेकिन बहुत धीरे धीरे से मैं बात कर रही हूँ, मैं बुला रही हूँ डॉक्टर को डॉक्टर डॉक्टर करके, लेकिन किसी को नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि वो ICU है, वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर है, वहाँ पे एक नर्स है, टाइम टू टाइम वो लोग मुझे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो वॉइस मेरा बाहर नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर डॉक्टर करके बुला रही हूँ, कोई नहीं आ रहा है। तो तब मैं धीरे से सोच रहे तो मुझे याद आया कि मुझे ऐसा पूल में एक्सीडेंट हुआ, मुझे हॉस्पिटल लेके आए थे, डॉक्टर्स बोल रहे थे अभी उसको सर्जरी करना पड़ेगा करके, मुझे वो सब याद आया था। वो सब याद आके मैं ऐसे ही मैं
पथरी जी करके बुला रहे थे, क्योंकि वो पेन बहुत पेन है। 26 सूचस हुआ था मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक 26 सूचस हुआ था, तो मुझे बहुत पेन आ रहा है और सांस लेने को भी नहीं हो रहा है। तो मैं पथरी जी को बुलाया, बुला के एक ही बात मैं पथरी जी से बोली, पथरी जी अगर मेरे को जिंदा रहना है और मेरा काम है इस दुनिया में, अगर मेरा काम है तो मेरे से मुझे हीलिंग करके ये पेन से बाहर लेके आइए, अगर मेरा काम नहीं है हो गया इस जिंदगी का बोले तो आई एम रेडी टू डाई, मैं ये डेथ के लिए मैं डरती नहीं करके बोली। तो पथरी जी आए थे, आके ऐसे हंसते हुए आके मुझे यहाँ पे मार के, क्योंकि मैं वहां क्या बोली, हीलिंग कीजिए करके मैं बोली, तो पथरी जी ऐसा मार के, ये सब आप ही चुन के आए थे इस जन्म में, ऐसा आपका जो पिछले जन्म है कल तक जो है वो सब आप बैलेंस करने के लिए आप ही सब चुन के आए थे, इस एक्सीडेंट को डिजाइन करके आए थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कोई अच्छा जिंदगी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ऐसा डिजाइन करते हैं, ऐसा एक्सीडेंट को कोई डिजाइन करके आते हैं क्या घर? लेकिन बोले सो पथरी जी है, तो मैं बिलीव करके ऐसे ही ऐसा दसार को देखते हुए सार ने एक एल्बम ओपन किया था, वो देखने में एक एल्बम था, एक मैरिज एल्बम टाइप का, लेकिन अंदर वीडियो चल रहा था। सो सार के हम कैसे आते, माने इन्फेंट सोल, बेबी सोल, ये जो शिशु आत्मा वो दशा है वो सब सार एक्सप्लेन करते हुए, वो सब बताते हुए मेरे बाजू में ही बैठ के सब मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। सार के साथ एक मोनास्ट्री लेके गए थे, मेरे पिछले जन्म दिखाए थे, फिर वापस लेके आए, ऐसे सब चल रहा है। तो मैं सार से पूछी हूँ, सर ये सब क्या है बोले तो सब सार ने बोला, आप जितने भी नॉनवेज खाया, जो पाप किया, वो सब इस एक्सीडेंट से आप नलिफाई माने बैलेंस कर रहे हैं, अभी से आप जो भी करेंगे गुड या बैड वही आपको भोगना पड़ेगा बाद में करके सार बोले थे। ठीक है करके सार जा रहे, तो मैं सार से पूछे, सर आप रहे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप मेरे साथ ही रहिए बोले तो सार ऐसे ही मेरे साथ वहां पे बैठ के वो एक्सपीरियंस हो रहा था। तो इतने में सुबह हुए, डॉक्टर्स और नर्स टाइम टू टाइम जो मुझे मेडिसिन एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देते हैं वो आई थी, वो टाइम टू टाइम मुझे वो देने को, वो नर्स आया तो मेरा आंख ऐसे खुला नहीं खुला टाइप का ऐसा है, तो वो देखिए, और वो जब इंजेक्शन दे रहे तो मैं थोड़ा ऐसा मेरा फिंगर्स भी ऐसा मूव कर रहे थे, अच्छा ये होश में आ रही है करके वो तुरंत आईसीयू में जो डॉक्टर था उसको इन्फॉर्म किया, ये मैडम होश में आ रही है करके। तो वो डॉक्टर आके मुझे बार बार नाम से पुकारे, तो ये एक्सपीरियंस से मैं बाहर आ गई, बाहर आ गई, वो डॉक्टर्स देख रहे हैं, ओ अच्छा आप होश में आए ये सब बता रहे हैं। मुझे क्या लग रहा, वो मुझे एक पेशेंट की तरह देख रहे हैं, लेकिन जब मैं पथरी जी आए थे एस्ट्रली मुझे मिले ये सब एक्सपीरियंस करवाया था, मैं बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, मन से बहुत तंदुरुस्त फील कर रहे हैं। अच्छा मुझे को छोड़े तो मैं चली जाती हूँ ना, ये लोग क्यों मुझे ऐसे बेड पे बांध के रखे हैं टाइप का मुझे लग रहा। और मेरे भैया तब वो मेडिसिन कर रहा था, वो भी अंदर आया था मैं होश में आई करके, तो भैया आके बोल रहे थे, मैं बोल रहे हूँ साई मेरे पथरी जी आए थे ये बोले थे ये सब मैंने ही डिजाइन किया, अभी मुझे कम हो जाएगा, कम होने के बाद उसके साथ ध्यान सिखाने का आने को बोल रहे थे ऐसे बोले। तो मेरा भाई क्या सोचे, अरे कल तक ये अनकॉन्शियस स्टेट में है कोमा में, अभी क्या पथरी जी आए अंदर बोल रही हैं, अच्छा ये सब ज्यादा मेडिसिन दे रहे हैं ना, उसको डिलीरियम्स हो गया था, वो जो मैंने मरने के पहले जो बोलते हैं वैसा हो गया अभी, ओके ठीक है उसको अच्छा ऐसे सांत्वना करें करके, हाँ हाँ पथरी जी आए मुझे भी शेक हैंड करके अंदर गए थे बोले। तो क्यों ऐसे डाउटफुली बोल रहे हो, सचमुच पथरी जी आए थे मेरे साथ रात भर बैठे थे करके मैं बोल रहे हैं। वो सोच रहा था अरे ऐसा अनकॉन्शियस स्टेट में ही मर गया तो अलग से रहती थी, अभी होश में आके ऐसा क्या बोल रहे हैं सब करके सोच रहे थे। लेकिन उन सबका आश्चर्य के लिए पथरी जी उस दिन 2004 है, हम लोग पिरामिड कैंपेन इलेक्शंस के, हम भी पार्टी पिरामिड पार्टी के तरह से कैंपेन करने के लिए पथरी जी वाइजाग आए थे, और आके एक 300 मेंबर्स से रैली हो रहा। तो पथरी जी वो कलेक्टर ऑफिस तक आने के बाद मेरे सेकंड ब्रदर को पूछे थे सिस्टर कैसी हैं करके, तो बोले सर यही पे नजदीक हॉस्पिटल में थी, ऐसा आज सुबह ही वो होश में आई, आते ही आपके बारे में आप आए थे ये सब बोल रही हैं करके बोले। तो पथरी जी तुरंत दूसरी जगह जाना था वो रैली, और रैली वहां खत्म करके अभी सब लोग वो हॉस्पिटल के पास जाएंगे करके, वो एन बीच हॉस्पिटल है वाइजाग बीच के पास रहता है वो, तो वहां लेके आके सारे मेडिटेटर्स को, 300 मेडिटेटर्स रहते थे, उन सबको वहां पे मेडिटेट ध्यान कीजिए, इस मैडम का काम है बहुत करके,
सार और शिवप्पा मेरा भाई जो मेडिको है, डॉक्टर्स का परमिशन लेके पत्रीजी को एक एप्रन पहना के अंदर लेके गए थे आईसीयू में। सार आते ही उसका अपना स्टाइल रहता है ना इसे वॉक करने का, इसे दोनों हाथ पीछे रख के मेरा बेड के पास आके ऊपर से नीचे तक जैसे स्कैनिंग में करते वैसा सार ऐसे नीचे से ऊपर तक देख के, हाँ पिछले जन्म का भारी भारी सब ये लेके आई थी ना, अभी इस एक्सीडेंट से सब खत्म कर जाएगा, वो सब न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड सार बोले थे। जैसे मेरा एक्सपीरियंस में पिछले नाइट सार आए थे, वो स्टूल लेके बैठे थे एस्ट्रल एक्सपीरियंस, वैसा ही वो मेरे बेड के नीचे से एक ट्राइपॉड स्टूल सार खींच के वहां पे बैठे थे। मैं वो भी मेरे भैया लोगों को बता रही थी, वो सब लोग 10 दिन से अंदर आ रहे हैं, 11 दिन से, किसी को नहीं पता है वहां पे ट्राइपॉड स्टूल है। जैसे सार पहले दिन किया था वैसे ही सार वहां बैठ के एक हाथ उसका हाथ इसे हम ध्यान करते समय दोनों हाथ कैसे लगाते, वैसे सार का फिंगर्स मेरे फिंगर्स में घुसा के मैडम अब एक हाथ यहाँ पे मेरे आंख के ऊपर रखे थे, रख के जस्ट 5 मिनट्स रिलैक्स हो जाए मैडम, अच्छा सा रिलैक्स फील कीजिए करके बोले थे। जस्ट सार बोले थे, मैं आंख बंद किया, बस एक तरह का हीट सार का हाथ उंगलियों से मेरे उंगलियों पे बहुत जोर से एक एनर्जी पास हो रहा था। स्टिल अभी बोले तो मुझे अभी भी वो महसूस हो रहा, तो पूरा हर एक नर्व पे वो एनर्जी जा रहा था कंप्लीट 5 मिनट्स में। मैंने जैसा आप मानिए आपको कभी इलेक्ट्रिक शॉक हुआ तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक शॉक हुआ तो पूरा बॉडी में एक तरह का जर्क चिल्स फील करते, वैसे ही मेरा पूरा बॉडी पे वो एनर्जी मैं फील कर रही थी। बस 5 मिनट जैसा रख के निकाल के, हाँ अभी ठीक हो जाएगा मैडम, आपको 1 वीक में आपको अच्छा हो जाएगा, आप मेरे साथ 1 वीक या 7 डेज मेरे साथ आप ही चुन लो, एक ही है 1 वीक या 7 डेज, लेकिन इसे जोक करके मेरे साथ आके आप ध्यान सिखाना, डील ओके करके सार बोले थे। मेरे हाथ उठाने के नहीं है, सब बांध के है मेरे हाथ पैर, तो सारी मेरे थंब फिंगर पे आके डील ओके करके बोल दिया, हाँ बोल दिया। तब मेरा भाई थोड़ा सा वो अपना डेयरिंग से, क्योंकि सार तब बहुत गुस्सेदार रहते थे 2004 उस टाइम में, आके सर ये सब आप जो अभी बताए थे वही वो सुबह से बोल रही है, आप आके ये सब रात को ही उसको बताया करके बोले। तो सार हंस के मेरी तरह देख के ऐसा आंख मार के मेरे भैया को ऐसा करके वहां से चले गए थे, ये शील भी ओके ओके करके ओके मैडम करके सार निकल गए। बाहर आते ही मेरा मदर वहां पे रो रही थी, 10 दिन से वो अच्छा खाना भी नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कहीं भी कभी भी ये मर सकती हैं करके। तो पत्री जी से इतना मानती नहीं है, मैं 96 में ध्यान में आई, नॉनवेज छोड़ दिया कंप्लीटली, मेरा स्टडी कंप्लीट, स्टडीज करते हुए ये ध्यान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन मम्मी जी लोग नॉनवेज नहीं बंद किया तब तक। वो क्या पूछी, पत्री जी अभी मेरा बेटी ठीक हो जाएगी क्या, बोले तो हाँ ठीक हो जाएगी बोले तो। उसने क्या बोले, अगर वो पत्री जी बोले टाइप का मेरा बेटी ठीक हो गए तो अभी मेरे फैमिली पूरा सब लोग नॉनवेज बंद कर देंगे, इस लड़की को ध्यान के लिए छोड़ देंगे, ध्यान सिखाएगी सबको ये, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये गुरुजी ये पूरा एक माने अच्छा गुरुजी नहीं है, एक फेक गुरु है, सबको मैं प्रचार करूंगी अगर इसके ठीक नहीं हुआ तो, ऐसा करके मैंने उसका दुख में ऐसा सवाल कर रही थी, पत्री जी को ही क्वेश्चन करना टाइप का वो बोल रही थी। पत्री जी चले गए और उस दिन में क्या हुआ, उस शाम को पत्री जी 3-4 बजे ऐसे हॉस्पिटल को आए थे, उस शाम को मुझे बहुत एक्चुअली और तकलीफ होने वाला, वो ऑक्सीजन सपोर्ट से ही सपोर्ट के साथ भी मेरा बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है, लंग्स नॉट वर्किंग। तो डॉक्टर्स लोग आके बोले दिस इज द लास्ट आवर्स ऑफ हर, आपको जो भी लोग है गेस्ट लोग कोई देखना चाहते फैमिली मेंबर देख लीजिए, अभी वो मरने वाली है करके बोल रहे थे, नहीं तो लास्ट चांस वेंटिलेटर पे उसको शिफ्ट कर सकते करके बोल रहे थे। तो मेरा मम्मी को इतना गुस्सा आया, पत्री जी इतना गुरु मानती है इसको, इतना उसका बुक वो जैसे बोलती है नॉनवेज नहीं खाती कुछ भी नहीं खाती ये सब वो बोलने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है करके वो बहुत गुस्से में पत्री जी को गालियां दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। मुझे मेरा हालत क्या है कि मेरा बॉडी ऐसा ऊपर ऊपर गिर रहा टाइप का, बहुत मुश्किल से मैं ऑक्सीजन ले रही हूं, ऑक्सीजन मास्क के सपोर्ट के साथ वो सब, मैं मेरा आंख बंद हो रहा है और किसी मेरे को कोई आके खींच के पीछे लेके कोई वैलीज पे लेके जा रहा टाइप का मेरा फीलिंग हो रहा है।
तो मेरे इतने में वो मेडिको ब्रदर को अंदर अलाउ करते थे सिंफ ही इज डूइंग मेडिसिन थर्ड ईयर, तो वो आया था, वो बोल रहा था क्या हो रहा टाइप का, मैं उसको मेरे भैया को बोल रहे मुझे कोई खींच के लेके जा रहे हैं, मैं किसी को कहाँ कहीं पे मैं जगह नहीं जानती हूँ, वो लेके जा रहे हैं लेके जा रहे करके बहुत जोर से वो बेड में पकड़ के दोनों हाथ से पैर से वो पूरा साइड ग्रिल्स जो है बेड का वो पूरा टाइट से मैं पकड़ रहे हैं क्योंकि मैं गिर रहे हैं करके कंप्लीटली मेरा फीलिंग। तो मेरा भैया आया, तब तक वो भी मेडिटेटर है, तो वो सोचा अच्छा ये बॉडी वेकेट करने का टाइम आ गया इसीलिए कोई मास्टर्स आके उसको लेके जा रहे, तो शी इज फीलिंग ऑल दिस करके ओके जो भी हो रहा है जस्ट कोऑपरेट ऑब्जर्व करो ये सब बता रहा था। जस्ट वो बता रहा था मेरे बड़े भैया सब लोग बाहर बात कर रहे हैं या उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर रहे हैं क्या बोले, तो मेरे बड़े भैया लॉयर वो बोल रहे थे क्यों ये सब जान पहचान का हॉस्पिटल है, कम से कम अभी बीच में हम लोग देख रहे हैं वो दूसरा हॉस्पिटल जहाँ पे वेंटिलेटर शिफ्ट कर दिया तो हमको एलो भी नहीं करेंगे, ऐसे ही अकेली मर जाएगी यही पे रखेंगे ऐसा करके वो बात चल रहे। मेरा लास्ट ब्रदर आके इतना पैसा है दीदी को नहीं बचा सकते हैं क्या, नहीं नहीं चांस लेंगे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करेंगे करके वो बता रहा था, वो स्मोक कर रहा था, तब तक मुझे नहीं मालूम मेरा अदर स्मोक करते हैं, मैं क्या एस्ट्रल बॉडी से सब देख रही हूँ। तो मेरे को वहां पे क्या वो सब ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो भैया बोल रहा था आंख बंद करो जस्ट जो हो रहा है विटनेस करो करके, बस मेरा आंख बंद हो गया, इतना जोर से रीलिंग सेंसेशन मैं फील किया, एकदम मेरा बॉडी राउंड 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 रीलिंग सेंसेशन होके बस मेरा एस्ट्रल बॉडी बाहर आ गया। मैं देख रहे तो मेरा फिजिकल बॉडी वहां पे लाइंग डाउन ऑन द बेड, मेरा भैया घबराहट से देख रहा है, पूरा मॉनिटर्स धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, कंप्लीटली मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन सब ड्रॉप है, बीपी ड्रॉप हो रहे हो गया। तो सिस्टर आके देख के पल्स पकड़ के मर गई करके क्लॉथ ऊपर व्हाइट क्लॉथ वो जो है वो कंप्लीटली शी हैज अनकवर्ड दैट एंड शी जस्ट गोइंग आउट टू इन्फॉर्म द डॉक्टर्स दैट शी वेकेटेड हर बॉडी। मेरे ब्रदर बीइंग ए मेडिटेटर उसको क्यों लगा कि ये कुछ होने वाला है टाइप का, वो सिस्टर का हाथ पकड़ के वेट करेंगे एक 10 मिनट करके बोले तो क्यों है लास्ट चांस है, वो कुछ स्टेरॉयड वगैरह देंगे डॉक्टर को बताए तो करके वो बोल रहे थे नहीं 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 वील वेट फॉर 10 मिनट्स करके वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही वो मॉनिटर सब देख रहा था, पूरा बॉडी कोल्ड हो गया एकदम, नो हीट एट ऑल इन माई बॉडी, देर इज नो पल्स, बीपी कंप्लीटली डाउन हो गया, वो सब हो रहा। मैं बाहर आया तो मेरा भैया का चेहरा देखो तो बहुत घबराहट में, क्यों इतना घबरा रहे, मैं यही पे खड़ी हूं ना करके मैं उसको भैया भैया करके मैं बुला रहे हूँ उसका नाम से, वो मेरे तरह नहीं देख रहा, वो सिस्टर को बुला रहे नहीं देख रहा, मेरे बॉडी में जाने को कोशिश कर रहे नहीं जा पा रहे। बाहर आई थी मेरे मम्मी इतना रो रही थी, मम्मी मैं ठीक हूँ मैं यहीं पे हूँ उसको बोल रहे हैं वो नहीं सुन रही है। मेरे फादर से मुझे बहुत नफरत करती थी मैं क्योंकि मेरे फादर की वजह से ही मैं इस ध्यान में आया, एक बार वो 96 में मुझे एक थप्पड़ मारा तो बिना मैं कुछ गलती किया सुइसाइड करने को मैं कोशिश किया, क्यों मुझे मारा ये इसका गुस्सा कम का होना है तो मैं मर गया तो सब लोग उसको डांटेंगे तब वो ये सीखेगा बच्चों को प्यार से कैसे संभालना करके, ऐसा हालत में मैं ध्यान में आई। तो उस सब मैं दे सोच रही थी ना, मेरा फादर एक गुस्सेदार आदमी सा, लेकिन मेरा फादर मेरे बेटी 1.5 ईयर की है उसको पकड़ के डॉक्टर्स को प्लीड कर रहे हैं वो, अभी इस बच्चे को क्या हाल है कुछ ना कुछ कीजिए, कितना पैसा हुआ तो भी ठीक है, कोई डॉक्टर को बुलाइए, अंदर क्या हो रहा है मेरे फादर को नहीं मालूम, वो स्टिल मैं जिंदा हूँ करके वो पूछ रहे थे। तो डॉक्टर बोल रहे मानव का प्रयत्न हो गया अभी माधव देखेगा, तो मेरा फादर और रो रहे थे अभी क्या मैंने डॉक्टर होते हुए आप ही बोल दिया मानव का प्रयत्न हो गया मैंने ऐसे मर जाएगी क्या ऐसा करके मेरा फादर बहुत रो रहा। तो मुझे एक रियलाइजेशन अच्छा मेरा फादर मुझे इतना प्यार करते लेकिन बाहर उसका स्टाइल ऐसा है उसका दिखावा ऐसा है लेकिन इतना प्यार करते, फर्स्ट रियलाइजेशन वो एस्ट्रल बॉडी में। फिर मैं आ गए मेरे मम्मी को टच करने को कोशिश किया कुछ नहीं हो रहा, फिर अंदर आ गए बॉडी में नहीं जा पा रहे, तब मैं क्या इस बार पत्री जी भी नहीं बोली मास्टर्स आप अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस देना चाहते हो आप आके मुझे एनर्जी दो, मुझसे नहीं हो रहा बाहर जाने को नहीं हो रहा ना मैं बॉडी पे जा रहे हैं, नहीं तो इफ इट इज डेथ इट इज ओके, मैं कुछ भी मेरे को कुछ भी डर नहीं है, आई एम रेडी टू गो। मैं जैसा आई मेरा बेटी का भी वैसे ही कुछ हालत कोई ना कोई टेक केयर करेगा करके ऐसा बोल रहे। तो दो मास्टर्स आए थे, मैं उनको देखते ही तुरंत पूछे आप कौन है करके बोले तो वो बोले हम लोग टिबेटन लामास है करके। तो बोले तो वो लोग आके जब मेरा हाथ पकड़े थे तब देन आई स्टार्टेड फ्लाइंग,
इतना सारे हम सोचते भूलोक है, नवग्रह इतना ही है करके, इतना सारे लोक मुझे वो लोग ऐसे एक एक वर्ल्ड से लेके गया। तो एक लोक में जस्ट लोग नाचते हैं, जस्ट एंजॉय करते हैं। एक लोग में अच्छा सा बगीचा रहता, फूल रहता, कोई उसको तोड़ते नहीं, अच्छा उसका फ्लेवर, उसका खुशबू को एंजॉय करते। ऐसा एक एक जगह मुझे एक्सप्लेन करते हुए लेके जा रहे, बता रहे अब मरने के बाद अपना अपना एनर्जी, अपना अपना परिणाम के साथ उसके लोक में हम लोग जाके फिर जिंदगी ले, फिर दोबारा जन्म लेना या नहीं लेना मास्टर्स के साथ बैठ के हम डिसाइड करेंगे करते, मुझे सारे के सारे एक्सप्लेन करते हुए मुझे लेके गए। जब हम लोग एक जगह पे गए तो हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटीज जितना बड़ा सिटीज है उतना बड़ा एम्प्टी स्पेस आया था। वहां पे पूरा गोल्डन येलो कलर लाइट था, वो वायलेट क्रॉस करने के बाद वो है वहां पे सिर्फ एक टेबल टाइप का है, वहां पे कुछ लोग वहां पे बैठे हुए। मैं उनसे पूछूं, वो लोग मुझे वहां छोड़ दिया, यहाँ कहाँ लेके आया, क्या है बोले तो वो बोले ये गुरु मंडल बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग मरने के बाद मास्टर्स के साथ बैठ के हमको फिर जन्म लेना या नहीं लेना, हम क्या करने को गए थे, क्या करके आए थे, वो सब एक डिस्कशन टाइप का फुल खुला खुला हम ओपनली डिस्कस करते बोले थे। अच्छा गुरु मंडल ही बोल रहे हैं, ये क्या नया नाम सब, तब तक मैं कहीं पे इतना पीएमसी है अभी सारे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है, तब तो दो तीन बुक रहता था पत्री जी का, बस वही हमको इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ओके ठीक है करके वहाँ गया, तो वहाँ पे कौन कौन थे, ओशो है, बुद्ध भगवान है, पत्री जी है, जीसस है और दो तीन लोग, मैं उनको नहीं पहचान पाई। मैं उनके पूछे तो एक आदमी ने, मैं एलेक्स आर्बिटो मेरा नाम और मैं हीलिंग करता हूँ करके उसने अपने खुद का इंट्रोडक्शन किया, और एक मैडम ने मैं एलेक्स आर माई बेटी शाइन आई एम ऑल्सो ए हीलर करके उसने खुद का परिचय किया था। ओके ठीक है करके मैं वहां पे बैठे तो जीसस आके मुझे बोला आप यहाँ पे लेट जाइए, सो जाइए बोला। यहाँ कहाँ पे लेट जाना, मैं स्टिल ये फिजिकल बॉडी में हूँ करके फील कर रहे थे, कहाँ पे लेटना करके मैं देख रहे हैं। तो वो बोले अभी इस शरीर को आपको कुछ बेड वगैरह चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, आप ऐसे लेट जाइए बोला। तो हवा में ही ऐसा मैं लेटे तो एलेक्स आर्बिटो को भी लेके जीसस मेरा बॉडी के पास आके वहां पे एलेक्स आर्बिटो को गाइड कर रहे थे, वो अपना फिंगर से यहाँ पे ओपन किया था। मैं डर रही थी, अरे मैं लेडी हूं ना, मेरे ब्रेस्ट के पास ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे अभी ये ओपन कर दिया फिर सूचर होगा, वो मार्क सबको दिखेगा करके देखे तो उसको पूछे क्या क्या कर रहे हैं, बोले तो एक रेडिश ब्लैक लिक्विड टाइप का सब निकाल के वहां पे बाहर फेंक रहा था। तो मैं पूछी ये क्या है क्या कर रहे हैं, बोले तो जीसस ने बोला दिस इज कॉल्ड साइकिक सर्जरी, all your diseases are nothing but whatever you think do that those are all stored in your psyche, wo jo psyche mein jo store hua somata mane hamara physical body ke upar disease ke roop mein aata hai, this is called psychosomatic, that is why most of our diseases are psychosomatic karke this is called psychic surgery, mane aapko psyche ko clean kar rahe hain karke wo bataya, those are all very new words for me, acha this is psychic surgery ho gaya, wo apna finger se hi fir aisa kare to wahan pe kuch bhi mark nahi hai, ekdam saaf hai jaise pehle था वैसे ही है। तो वो लोग मुझे लेके फिर वहां पे गुरु मंडली में वहां पे बिठाया, तो एक एक ने जो मुझे बताना चाहते, मैंने कुछ मेरा पिछले जन्म दिखाए थे, आगे जो होने वाला ये जो बाल विकास में 2011 में जो मैं शुरू किया था फाउंड किया था 2004 में ही, उस एक्सपीरियंस में सारे बच्चे मेरे साथ वहाँ पे बैठे हुए, मैं सेंटर में हूँ, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स आके मुझे थैंक्स बोल रहे हैं, वो सब तब दिखाया था। अच्छा बच्चों के साथ मैं कुछ करने वाली हूँ करके मुझे कुछ समझ में आया था। वो सब होने के बाद वो सब मुझे जो भी एक्सप्लेन करना था करके डॉक्टर जी के, जिसने मुझे ध्यान सिखाया था मेरा जीजा जी, उसके बारे में उसका कुछ जो होने वाला था उसके बारे में बताया था, और मेरा ब्रदर जो मेडिको है 3 महीने के बाद उसको एक हेल्थ प्रॉब्लम सीवियर होगा, लेकिन वो मरने वाला नहीं, लेकिन इतना रिस्क एक डिसीज आएगा करके वो दिखाया था। वो सब होने के बाद मैं वहां पे बैठी हूँ, उनसे पूछ रहे तो इतने में क्या हुआ, वो सब गायब हो गए थे वहां से, मैंने जो भी मास्टर से वो शो ये बेटी शाइन एलेक्स आर्बिटो जीसस वो सब गायब हो गए थे। पत्री जी का शरीर इतना 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 बड़ा होके, मैं बोली हूं ना वो बहुत बड़ा जगह था, उतना बड़ा शरीर से पत्री जी ऐसा ध्यान मुद्रा में बैठ के पत्री जी बैठे थे। मैं बहुत आश्चर्य होके मैं पूछ रही थी क्या हो रहा है, क्यों सब गायब हो गया, पत्री जी इतना शरीर मैं देख पा रहा नहीं देख पा रहे हैं उसको, इतना बड़ा शरीर से वो अच्छा से ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे पूछ रहे तो पत्री जी ऐसा आंख ओपन करके एक छोटा सा अच्छा सा स्माइल दे के फिर आंख बंद करके अच्छा सा वो ध्यान में ही सार बैठे थे। तब जीसस
बुद्धा और ओशो रजनीश तीनों मिलके एक ही बार बोले थे, पत्री जी इज नथिंग बट सुभाष पत्री का शरीर का हम यूज करके बहुत सारे मास्टर्स हम लोग उसके थ्रू वॉक इन्स आए थे इस लोक में। अभी इस टाइम में माने जो प्रेजेंट जनरेशन है बहुत इजी सिंपल तरीके से ध्यान सिखाने के लिए ए स्पिरिचुअल चेंज शिफ्ट के लिए हम लोग पत्री जी का शरीर यूज करके वॉक इन से आए थे, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स उनका बॉडी में है करके वॉक इन। तब तक हम लोग बुक्स पढ़े थे, सुने हैं वॉक इन ऐसा मास्टर्स होते, तो पत्री जी वॉक इन है तो पहली बार मुझे पता चला। तो मास्टर सब गायब हो गए थे, पत्री जी ऐसा आंख ओपन करके मेरे को एक हंसी दिया था, मैं वहां से बाय बोल के और बड़ा सा बहुत कुछ वो लोग मुझे बताए थे, एक 1 आवर का एक्सपीरियंस है वो सारा पूरा मेरा। तो बाहर आ गए तो वहां पे एक एक्ट्रेस खड़ी थी, मैं उसको देखते ही मैं पहचान लिया, सिनेमा एक्टर सौंदर्या, वो साउथ इंडियन फिल्म्स में बहुत बड़ा फेमस एक्टर थी वो, तो सारे कन्नड़ा तमिल तेलुगु सारे मूवीज, हिंदी में भी सूर्यवंश मूवी किया था उसने। तो उससे मैं पूछे आप यहाँ पे खड़े क्यों हैं करके बोले, तो उसने बोली मैं 2 दिन के पहले मैं मर चुकी हूँ, इस जिंदगी पूरा नेम फेम गेम में मैं रह के अपना वो जो स्पिरिचुअल जर्नी था वो कम्प्लीटली मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं एरोप्लेन क्रैश में मैं मर गई थी, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। अभी मैं एक अगली गर्ल के कुरूप लड़की के रूप में मैं चेन्नई में फिर जन्म लूंगी, तब मैं कम्प्लीटली अपना स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो जिंदगी यूज करूंगी करके बोली। अरे इतना सौंदर्य मर गई ही बोल रही है, नेक्स्ट जन्म बोल रही है, तो क्यों यहाँ पे क्यों आना करके मैं उसको सवाल पूछे, तो वो बोली मरने के बाद जैसे मुझे मास्टर से सब बताए थे वो लामास, जैसे ही उसने बोले मरने के बाद हम लोग यहाँ आके अमर और सेल्फ गुरु मंडली से बैठ के पूरा अपना लाइफ को एक डिसेक्शन टाइप का करके क्यों गए थे, क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ पे जन्म लेना कब जन्म लेना, वो सब जगह सब हम चुन के फिर जाएंगे, उस डिस्कशन के लिए मैं वेट कर रही थी करके उसने बोले। तो मुझे फर्स्ट टाइम ओचा लाइफ आफ्टर डेथ इतना सारा रहता है क्या, हम लोग मर जाएंगे बस ये शरीर खत्म हो जाएगा सोच रहे थे, इतना रहता है क्या करके मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दैट, मैंने ट्रूली जो बुक्स में पढ़े थे वहां पे उसका अनुभव से मैं सुनी हूँ, फिर वो मास्टर्स के साथ से मैं अपना बॉडी में आ गई। तो मेरा आंख जो फिजिकल से स्थूल शरीर में आके मैं बस अपना आंख खोले तो मेरा जो डॉक्टर भैया था वो ऐसे ही मेरे मुंह के ऊपर मुंह रख के क्या हुआ था बोल रहा था वो, तो तुझे क्या मालूम क्या हुआ बोल रहे, बोले तो यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग क्या हुआ पूछा उसने। तो मैं बोली ऐसा ऐसा अनुभव हुआ वहाँ पे पत्री जी से मिली हूँ जीसस से मिली हूँ ऐसा हुआ ऐसे बोले, तो उसने बहुत खुशी से बोला अच्छा तुम सूक्ष्म शरीर यान किए हो इसी को बोलते एस्ट्रल ट्रैवल यू हैव डन दैट, वो बोल रहे थे। मेरा क्या मेरा MSc लॉजिकल माइंड से मैं बोली ये सब मेरा इमेजिनेशन हो सकता है ना, मैं सब इमेजिन किया होगा बोले। तो उसने क्या बोला हंसते हुए अच्छा मैं भी ऐसे ही सोचता था लेकिन तुम 2 बात बोले हो ना वहां पे एलेक्स आर्बिटो बेटी शाइन और जो सौंदर्य सब मिले हो वो ही तेरा एक्सपीरियंस का वैलिडेशन है बोला। वो कैसा मेरा एक्सपीरियंस का वैलिडेशन मुझे समझ में नहीं आया। तब उसने बताया था अच्छा तुम जीसस को जानते हो उसका पिक्चर देखे हो जीसस को इमेजिन कर लिया, बुद्धा को बुक के ऊपर देखे हो वो उसको इमेजिन कर लिया होंगे, लेकिन वो बेटी शेन एलेक्स आर्बिटो उसके बारे में मुझे भी पता नहीं, वो हमको एंक्वायरी करना है। वो सब छोड़े तो जो सौंदर्य सोल से तुम मिले हो बोले हो ना वो सही है, 2 दिन के पहले वो मर चुकी है बोला। तो मुझे इतना माइंड ब्लो हो गया क्या सचमुच में सौंदर्य मर गई बोले, तो उसने बोला हाँ तुम आज सुबह तक तुम होश में ही नहीं हो अनकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस में कोमा में है, तुमको आके सौंदर्य मर गए बोलने का इस मूड में हम लोग नहीं है, अगर हम लोग कोई बोले तो भी उसको रिसीव करने का स्टेट में तुम नहीं हो, वो सचमुच में मर गए बोले तो इट्स अनबिलीवेबल थिंग फॉर मी। तो मैं हाँ नहीं मैं नहीं जान बिलीव करते बोले तो तब ये यूट्यूब्स नहीं है इतना टीवी नहीं है, उसने क्या किया जाके वो पेपर क्लिपिंग लेके आया था अच्छा वो एरो क्रैश में ऐसे ही मर गए हेलीकॉप्टर क्रैश में करके देख के, तो मुझे वाह सचमुच में ये सब मैं देखी हूँ, बुद्धा मेरे को दिखाई दिया, जीसस को मैं देखी हूँ, मुझे एस्ट्रल सर्जरी करवाया गया क्या, ये सब हमको होता है क्या, ऐसा नॉर्मल एक जॉब करने वाली लड़की मुझे ये सब एक्सपीरियंस होता है क्या, जो लोग साधु संत लोग जाके हिमालय में नहीं तो कोई फॉरेस्ट में जाके तपस्या करेंगे अपना लाइफ टाइम वहां पे रहने वालों को ऐसे एक्सपीरियंस होता, मुझे हुआ क्या मुझे महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन वो जो दिखाया था वो तो सच है। तो मैं थोड़ा हाँ
हुआ मेरे को करके सोच रहे थे। भैया लोग पत्री जी को फोन कर रहे थे, सब बताया तो सार बोला इट्स नॉट जस्ट एस्ट्रल ट्रैवल, दिस इज कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसको नेक्स्ट काम के लिए उसका बॉडी कंप्लीटली प्रिपेयर करके उसका पूरा कंप्लीटली उसको ठीक किया गया करके दिस इज नियर डेथ एक्सपीरियंस करके पत्री जी बोले तो मुझे इतना शौक हुआ। मेरे को होता है क्या, मैंने ये ध्यान करे तो इतना आसानी है कि अपना घर में बैठ के हम जो ध्यान प्रैक्टिस करें तो उससे ही इतना सारा हमारा काम है, तो इतना सारे मास्टर्स हमको हेल्प करेंगे क्या करके मुझे बहुत खुश हुआ। और फिर भी थोड़ा सा डाउट होता था मुझे, पत्री जी मुझे तब सर आप सब लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बोलने को बोल रहे हैं लेकिन मुझे तो डाउट है सर ये सब मुझे ही हुआ क्या, बोले तो सर हंस के स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस आने को बोल के मुझे दो बुक दिया था हैदराबाद में, वो है डॉक्टर रेमंड मोडी का लाइफ आफ्टर लाइफ, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है उसने वो बुक लिखा था वो, और डॉक्टर ब्रियान वीस का मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, वो दोनों बुक दे के ये पढ़ के आप मेरे पास आइए तब कुछ सवाल आए थे हम बात करेंगे करके सार बोले थे। मैं आपको बहुत शॉर्टकट करके एक्सपीरियंस बताई, वो बुक्स पढ़ रहे तो जैसे मैं फ्लोट होके जा रहे थे जैसे स्टार्स जैसे देख रही हूँ मास्टर्स को देख रहे हो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे तो अच्छा बहुत सारे लोग है मेरे जैसे एक्सपीरियंस किया करके मुझे पता चला। और कंफर्मेशन कब हुआ बोले तो 2008 में फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जब बैंगलोर में हुआ था मेरे को डॉक्टर जीके ने एक फ्लायर भेजा, ए तुमको हिंदी इंग्लिश आता है ना यू हैव टू अटेंड दिस वर्कशॉप, बोले तो ये बहुत महंगा है क्या कैसे मैं जॉब में लीव नहीं मिला मिलता, बोले तो नो नो जस्ट गो थ्रू द फ्लायर यू हैव टू अटेंड करके बोला। जस्ट मैं अपना ऑफिस में ही वो फ्लायर मैं देख रहे तो एक चेहरा देखे तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ करके मुझे लग रहा था, कौन है करके अपना काम छोड़ के वो फेस बार बार देख रहे तो तुरंत मुझे याद आया ही इज मिस्टर एलेक्स आर्बिटो। वहां पे उसके लिए जो दिया था बायोडेटा वो पढ़ रहे तो ही इज ए हीलर फ्रॉम फिलिपीन, अपना फिंगर से सर्जरी करते विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट करके, मुझे एकदम इतना शॉक हो गया तुरंत डॉक्टर जीको का कॉल करके। जीके जब मैं बताई थी ना डॉक्टर एलेक्स आर्बिटो जो आया था वो उसका भी है तो तुमको कम से कम उससे मिलने के लिए तुमको आना पड़ेगा बोले तो मैं वो ग्लोबल कांग्रेस को गई थी मैं उसको एक्सपीरियंस शेयर करे तो उसने भी बहुत आश्चर्यचकित होकर बताया। मैं फिजिकली जाके ऐसा किया एस्ट्रली भी मैं जाके ऐसा कर सकता हूँ करके मुझे अभी मालूम हुआ करके। उसी रात को डॉक्टर न्यूटन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में देखे तो वो एलेक्स आर्बिटो और मैं एक जन्म में दोनों एक अच्छा सा हीलर्स हैं, एक ही मास्टर के पास हम लोग सीखे थे उस जन्म का, इससे अभी मुझे वो इला ठीक किया। और जो टिबेटन लामास मेरे को लेके गया वो और मैं एक ही मोनास्ट्री में हम सब लोग लामास हैं, एक ही जगह पे हम लोग मोनास्ट्री से सीखे थे तो इतना पास्ट कनेक्शंस रहता है ऐसा जन्म, इतना जन्म में भी हमको वो साथ दे के हमको वो एनर्जी से वो लोग मदद करेंगे करके तब मुझे महसूस हुआ। उसके बाद मेरा जिंदगी और ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा जो हम बॉडी करके सोचते हैं सिर्फ बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है इस शरीर में सिर्फ रहते हैं, जैसे ही इस कपड़े को बदलते हैं वैसे ही हम शरीर बदलते हुए जाते हैं। इस अनुभव को लेके एक जन्म से एक जन्म हम लोग ट्रांसफॉर्म होते स्पिरिचुअली और अवेकनिंग होते चलते हैं करके मुझे महसूस हुआ। थैंक्स टू पत्री जी इतना सिंपल ध्यान हमको सिखा के, अच्छा हम अपना फैमिली लाइफ को संभालते हुए अपना जॉब करते हुए लोगों को सिखा के बहुत हैप्पी हेल्दी लाइफ आज लीड कर रहे हैं बोले तो ऐसे पत्री जी और सिंपल इस ध्यान से। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।